क्या फिल्म में शाहरुख करेंगे कॉमेडी? क्या लॉरेन दिखेंगी सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए? क्या सलमान खान कर सकते हैं पुलिस वाले का रोल? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म दबंग अपनी रिलीज के टाइम से ही काफी फेमस रही है और आज भी लोग दबंग के गानों से उभर नहीं पाए हैं। इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी ये ऑडियंस के दिलों में उतनी ही ताजी है जितनी इसके रिलीज के टाइम पर थी। मुन्नी बदनाम हुई, हुड़ हुड़ दबंग दबंग पे आज भी लोग ठुमके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। और अगर वहीं हम बात करें शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की, तो उनमें से सबसे टॉप पे बाजीगर को ना गिना जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। आज भी अगर बाजीगर टेलीकास्ट होती है तो शाहरुख के फैन खुद को रोक नहीं पाते हैं मूवी को पूरा खत्म किए बगैर। आज भी फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लोग जुबान पर रखते हैं और शाहरुख की फिल्म में लुक की आज भी फैंस काफ़ी तारीफ करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया की इन दो सुपरस्टार की, तो इन दोनों के साथ में आई फिल्म करण अर्जुन को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी हाल ही में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म का रीमेक की खबरें चर्चा पे हैं। फिल्म करण अर्जुन में एक बार फिर से काफ़ी समय बाद दोनों खान्स को साथ में देखने की खबरें आ रही हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी और दिलचस्प खबर ये है कि फिल्म में दोनों के कैरेक्टर्स पे काफ़ी बारीकी से काम कर रहे हैं मेकर्स। जी हाँ, यानी कि सुनने में आ रहा है कि फिल्म में सलमान खान का रोल उनके दबंग के चुलबुल पांडे के रोल से काफ़ी सिमिलर होगा और साथ ही साथ बाजीगर के शाहरुख से काफ़ी मेल खाता होगा करण अर्जुन 2 में शाहरुख का रोल। तो एक बार फिर से बड़े पर्दे पे शाहरुख और सलमान की, या फिर कहीं चुलबुल पांडे और बाजीगर की जोड़ी देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि फिल्म में शाहरुख एक्शन नहीं करना चाहते, बल्कि वो एक बार फिर से करना चाहते हैं कॉमेडी। आपको बता दें कि इससे पहले शाहरुख रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस, फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर और अपनी 90s की फिल्में बादशाह में कॉमेडी करते देख चुके हैं। तो एक बार फिर से प्लानिंग कर रहे हैं किंग खान अपनी कॉमेडी साइड को बाहर निकालने की और अपने फैंस को हंसाने की। हालांकि जब से फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट हुई है, तब से ही फिल्म से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें सामने आती जा रही हैं। और एक बार फिर से फिल्म से जुड़ी एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है सामने, जो कि ये है कि फिल्म करण अर्जुन के सीक्वल में दिख सकती है लॉरेन। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉरेन को अक्सर आइटम सॉन्ग में देखा गया है और साथ ही साथ उन्होंने ABCD 2 में भी बतौर सपोर्टिंग कास्ट में देखा गया था। और अब डांसर, मॉडल, एक्ट्रेस दिखेंगी सलमान खान के साथ किसी आइटम सॉन्ग में, जो कि फिल्म करण अर्जुन 2 का हिस्सा होगा। तो इतनी नई नई अपडेट सुनने के बाद दर्शकों, आपकी तरह हमें भी इंतजार है सिर्फ फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का, जो कि जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।